एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है समझिएगा वाटर विंग फिल एट द रेट ऑफ वन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इन सर्कुलर द वाटर लेवल इज टेन सेंटीमीटर द रेट इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट विच द वेट कोनिकल सरफेस एरिया ऑफ द वेल इंक्रीजेस एरिया में किस तरह का इंक्रीमेंट होगा क्वेश्चन अच्छा है समझने वाला क्वेश्चन है एक आप ये लिया कॉनिकल वेसल राइट का रेडियस हो गया आर जो कि दिया हुआ आपको आ, 14 सेंटीमीटर डायमीटर तो ये सेवन हो गया और हाइट दी हुई है आपको 35 फाइव एच आपको 35 दिया अब इसमें आपने वाटर पढ़ा आ, फिल किया कितने 10 सेंटीमीटर का ये 10 सेंटीमीटर तक आपने वाटर फिल किया तो ये क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा तो ये 10 है इसकी हाइट और ये हो जाएगा स्मॉल आर लिख दीजिए या कैपिटल आर लिख दीजिए तो इस समय सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा ये पूछा गया अब जो जो गिवन है उस पर जरा ध्यान दें तो आपको एक तो गिवन है डी वी वाई डी टी यूनिट देख के भी पता चलता है वन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड राइट अच्छा आर वाय आर ए सेवन एच है थर्टी फाइव यानी वन बाय फाइव यानी आप ऐसा बोल सकते हैं H इक्वल टू फाइव आर ये रिलेशन आपको कई जगह काम आने वाला है और वॉल्यूम होता क्या है वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर स्क्वाच अब H की जगह आप फाइव आर भी लिख सकते हैं तो वन बाय थ्री फाइव पाई इन टू आर क्यू डिफ्रेंशिएट करिए डीबी वाई डी टी तो थ्री से थ्री कैंसिल आप लिखेंगे फाइव पाई आर स्क्वायर इन टू डी आर बाई डी टी अच्छा ये वन दिया है तो इसका मतलब फाइव पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी या आप ऐसा बोल सकते हैं कि डी आर बाई डी टी इक्वल टू वन अपॉन फाइव पाई आर स्क्वेयर एक इक्वेशन हो गई अब हमारे पास ये काम आएगा कहां पे सरफेस एरिया में सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल ये एल मतलब सिलेंडर हाइट हो गई और रिलेशन क्या होगा एल स्क्वायर इक्वल टू रूट एच स्क्र प्लस आर स्क्वायर अब एच की जगह फाइव आर स्क्वायर लिख दो तो आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस मतलब आप बोल सकते हो आर रूड ट्वेंटी दो वेरिएबल नहीं रखने तो आप एस इक्वल टू लिख सकते हो पाई आर आर स्क्वायर हो जाएगा इन टू रूड ट्वेंटी सिक्स डिफ्रेंशिएशन करिए डीएस बाई डी टी तो ये मिलेगा टू पाई आर रूड ट्वेंटी सिक्स इन टू डी आर बाई डी टी डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू है वो वहां रख दीजिए तो जब आप रखेंगे तो टू पाई आर रूट ट्वेंटी सिक्स इंटू वन अपॉन फाइव पाई आर स्क से पाई कैंसिल हो गया एक आर से एक आर भी कैंसिल हो गया तो टू रूट ट्वेंटी सिक्स अपॉन फाइव आर फाइव आर को एच लिख सकते हैं, तो टू रूट ट्वेंटी सिक्स अपॉन एच और एच दिया है टेन सेंटीमीटर कैपिटल लिख सकते थे तो टू रूट ट्वेंटी सिक्स बाय टेन यानी रूट ट्वेंटी सिक्स बाय फाइव इज अ राइट आंसर क्लियर है बात नोट कर लीजिए क्वेश्चन को